when the dead are disturbed, blind symmetry jaisi jagahein ubhar jati hai. So your next location is going to be a cemetery. Pine Cemetery. Cemetery तो अपने आप में ही haunted जगह है. अब उस cemetery की भी haunted story. This is some other level crazy shot. कुछ भी करा लो. बस cemetery मत लेके जाओ. Cemetery is just a big no no. So it was like the first time कि मेरे को लगा था कि I am actually kind of scared to go here. This is it. This is it. We have reached a level where it's just going to be level up and नई नई चीजें होने वाली हैं and it's going to get more and more intense. One of the oldest cemeteries in India. One of the oldest cemeteries in Uttarakhand. And इसकी जो कहानी है काफी दर्दनाक है, खौफनाक है और काफी conflicted है. 1850 में इस सिमेट्री की कहानियां शुरू हुई थी. ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी सोल्जर्स थे जो जंग में मारे जाते थे उनको यहां दफन किया जाता. कुछ सालों के बाद 1880 में नैनीताल में और इस एरिया में बहुत बड़ा साइक्लोनिक क्लाउड बर्स्ट हुआ और तीन दिन नॉनस्टॉप बारिश होती. इतनी बारिश हुई कि नैनीताल और आसपास के जितने गांव हैं, एरियाज हैं, वहां पे लैंडस्लाइड्स हो गए. गांव के गांव, पूरा नैनीताल धस गया. उस समय जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उनके रिकॉर्ड के मुताबिक 151 बॉडीज वर फाउंड. But they were found in such a state, ऐसी हालत में कि आप उनकी आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाई. इसलिए इनको भी पाइन सेमेट्री में दफनाया गया और उसमें बहुत सी बॉडीज थी जिनका कोई नाम भी नहीं था. इन सम वे देयर वाज लाइक इट वाज अ मास बरियल. ये भी कहा जाता है कि उस हादसे के बाद पाइन सेमेट्री की रातें और काली हो गई. वहां की कहानियां और खौफनाक हो गई. पाइन सेमेट्री की वाइब, वहां की ऑरा, वहां का एनर्जी हैड चेंज्ड.